अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैट 2015 में लेसन नंबर 124। और आज इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे, आज के लेसन में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक मैकेनिकल होल्ड डाउन रैम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फेसेस। तो आज इस लेसन में हम एक होल्ड डाउन रैम ड्रॉ करेंगे जो कि मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, और इस पे देखेंगे डिफरेंट फेसेस पे कैसे काम किया जाता है, इम्प्रिंट कमांड कैसे यूज़ की जाती है, प्रेस पुल कमांड को कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ ड्राइंग जिस पे हमने काम करना है। तो आप देखें ये वाली ड्राइंग है, आज हम ये चीज़ ड्रॉ करेंगे, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे, देख सकते हैं आप। तो आज के लेसन में हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए मैं फिर ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को ओपन किया, टॉप व्यू में इसको आपने फ्रंट व्यू में लेके आना है। गाइडलाइंस को आप बेशक हाइड कर लें, तो F7 प्रेस करके आप गाइडलाइन को हाइड कर लें। और अब जो काम करना है वो है जी लाइन लिंक, एल एंटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 10 की लाइन ले लें, डेसिमल में काम कर रहे हैं। F8 प्रेस करें और इस लाइन को आप एंगुलर लाइन ड्रॉ करें। एंगुलर लाइन के लिए आप @ और लाइन की जो है तो लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 लाइन की लेंथ होनी चाहिए, और लेस देन एंगल कितना होना चाहिए। एंगल अब नीचे की तरफ में कर रहा हूँ, अगर ऊपर की तरफ करूँगा तो मैं 35 दूंगा, मैं नीचे की तरफ में एंगल दे रहा हूँ तो मैं -35 देता हूँ, -35 एंटर करता हूँ। ओके, फिर एक स्ट्रेट लाइन लें, F8 प्रेस करने के बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन लें, F8 प्रेस करता हूँ और एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ और ये स्ट्रेट लाइन में 5 एंटर कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब ऑफसेट लें, O एंटर, 0.3 का ऑफसेट लेता हूँ मैं। ओके, चैम्फर कमांड यूज करें, CHA एंटर, जोड़ दें इनको। अब यहां से एक लाइन लें, L एंटर, L एंटर, और यहां से भी कॉर्नर को ऑप्शन जोड़ दिया मैंने। अब एक मिरर कमांड यूज करें, MI एंटर, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसको ले जाता हूँ, स्पेस प्रेस कर देता हूँ। सर्कल कमांड यूज करें, C एंटर, और सर्कल कौन सा, 2.2P सर्कल आप ड्रॉ करें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप, सॉरी अभी फिर मैंने सी एंटर एंड टू पी एंटर, कहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक सर्कल ड्रॉ हो गया। ट्रिम कमांड यूज करें, TR double enter, उससे पहले आप एक लाइन लें, L enter, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन लें। ट्रिम कमांड यूज करें, TR double enter, और ये एरिया और ये वाला एरिया आप ट्रिम कर दें, ये भी ट्रिम कर दें, यहाँ से इसको ट्रिम कर दें और ये डिलीट होगा। ओके, अब यहाँ तक काम कंप्लीट करने के बाद इसको डिलीट कर दें लाइन को, यहाँ पे भी कोई लाइन है उसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट करें और यहाँ से इसको भी डिलीट करें, ये भी डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें, एल एंटर करके इसको जोड़ दें आपस में, इसको डिलीट कर दें। ओके, तो यहाँ तक आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको इन सब को जोड़ने के लिए आपने जॉइन कमांड यूज करनी है, तो उसके लिए जे एंटर करें, स्पेस प्रेस कर दें, जॉइन, जे एंटर, स्पेस। ओके, जॉइन हो गया कमांड, इसको मूव करके मैं देखता हूँ ज़रा। ओके, अब मैं यहाँ से इसको टॉप व्यू में लेके जाता हूँ, यहाँ से SW आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ। ओके, प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ, 5 एंटर, यहाँ तक हमारा ऑब्जेक्ट ही कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से एक L एंटर करता हूँ मैं,
यहाँ से यहाँ तक और इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट तक। सी एंटर करता हूँ सर्कल के लिए और सर्कल में उसको देता हूँ 1 एंटर। ओके ओके सर्कल देने के बाद यहाँ से भी आप सर्कल ड्रॉ करें, सी एंटर 1 एंटर और यहाँ से भी सर्कल ड्रॉ करें इस टॉप पॉइंट से भी और 1 एंटर 1 एंटर, रेडियस 1 दे दिया। अब रेडियस 1 देने के बाद आपने काम करना है, आपने जो है तो यहाँ से एक कमांड यूज़ करनी है जिसका नाम है एम्प्रिंट कमांड। एम्प्रिंट कमांड आप सिलेक्ट करें, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सर्कल को सिलेक्ट करके कह रहा है कि डिलीट सोर्स ऑब्जेक्ट, तो येस डिलीट करना चाह रहा हूँ येस। सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, येस डिलीट सोर्सेस ऑब्जेक्ट। ओके यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो काम करना है वो क्या काम करना है जी, अब आप यहाँ पे प्रेस पुल कमांड यूज़ करें। प्रेस पुल कमांड को मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यस यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लाइन आ रही है तो उसको डिलीट कर दें कंट्रोल सेट। शेडेड में देख के देखता हूँ कि क्या मसला है, इसको डिलीट करता हूँ। ओके ओके यहाँ तक कंप्लीट हो गया। प्रेस पुल कमांड फिर से यूज़ करता हूँ, इसको मूव करता हूँ। अब मैं यहाँ से एक और काम करूँगा, फिलेट कमांड लूँगा। फिलेट कमांड, फिलेट के लिए एफ एंटर, इस कॉर्नर को सिलेक्ट करें, बल्कि एफ एंटर करें पहले, एफ एंटर तो रेडियस के लिए आर एंटर, या फिर आप रेडियस के ऊपर क्लिक करें तो रेडियस में इसको देता हूँ 1.3 एंटर करता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। एक और ऑब्जेक्ट इसको भी यहाँ से इससे इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इस एड्रेस को भी सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, तो आपका देखिए फिलेट हो गया है, देख सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा फिलेट करना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि तो कुछ कम है फिलेट हमारे पास जो हुआ है, तो ज़्यादा करना है तो उसके लिए रेडियस आप ज़्यादा दे दें कंट्रोल जेड करता हूँ। एफ एंटर एफ एंटर और रेडियस के लिए आर एंटर 1.8 एंटर सेलेक्ट किया, स्पेस सेलेक्ट एंड स्पेस। ओके आप सही हो गया, सही हो गया, आप देख सकते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ हो गया है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से अपने फ्रंट व्यू में लेके जाएं, देखें टॉप में फ्रंट व्यू में लेके जाएं और इसको यहाँ से मिरर कर दें, एम आई एंटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और स्पेस। ओके तो हमारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। मैकेनिकल एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।